नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनी द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण जी द्वारा रचित कहानी गंगा। गंगा एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो एक सती है, एक माँ है, एक बेटी है, जो पति के छोड़कर चले जाने के बावजूद भी अपना सती धर्म का पालन कर रही है और सब लोगों की सेवा भी कर रही है। उसका पूरा संपूर्ण जीवन भगवान के चरणों में लगाकर तथा गरीबों की और कोढ़ियों की मदद करने में बिता देती है। वह एक सती नारी है। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा। प्रांगण में वेणु बज रही थी। भगवान की चरण पादुकाओं के निकट बैठी गंगा का ध्यान भंग होने लगा। वृद्ध पुजारी के होठों पर मुस्कान थी। 100 बत्तियों वाले आरती दान की शीतल उज्जवल प्रकाश गंगा के प्रशांत सौम्य मुख पर प्रतिबिंबित हो उठा। भक्ति और श्रद्धा से प्रसादित फूलों की माला गंगा ने पुजारी की ओर बढ़ा दी और आंखें झुकाकर पूछा, बाबा कौन बांसुरी बजा रहा है? बांसुरी बजती रही। गंगा के हृदय में सिरहन होने लगी। पुजारी आनंद मग्न हो वह तान सुन रहे थे। गंगा के आलोक उज्जवल मुख को वात्सल्य से निहार कर बोले, होठों में मुस्कान लिए एक सन्यासी आ जाया है। कैसा करुण स्वर है बेटी। माला वह भगवान के कंठ में पहना दी और फिर पुजारी ने नयन मूंद लिए और भावों में डूब गए। विरह की रागिनी चारों ओर आंसुओं की वर्षा कर रही थी। वृद्ध पुजारी का तन मन मानो उसी वर्षा से भीग उठा, मानो भगवान के श्री चरणों में अजरस अश्रु वर्षा प्रवाहित होने लगा। सहसा वेणु रुक गई। पुजारी ने चौंक कर पलके उघाड़े, तभी प्रांगण के किनारे से एक शांत स्वर सुनाई दिया, बाबा यहाँ आओ। क्या हुआ? विस्मय से भरे पुजारी उठकर आए। स्तंभ के सहारे सन्यासी उदास खड़ा था और उसके चरणों के निकट गंगा बेसुध थी धरती पर। शादी को कुल 6 महीने हुए थे। ससुराल के प्रथम बार गंगा की दिवाली हो रही थी। उत्साह और उमंग में डूबी हुई वह लक्ष्मी जी का पूजन थाल सजा रही थी। जिंदगी का 17वां साल, 17वीं दिवाली, दिवाली का 17वां लक्ष्मी पूजन। आज बाप के घर में नहीं, पति के घर में देखेगी। अटल अचर होकर इस देहली पर विराजो माँ। धन धान्य से यह धन घर पूर्ण करो मातेश्वरी। मेरे माथे का सिंदूर चमकता रहे, तुम्हारी प्रतिदिन पूजा करूंगी, तुम्हारी जय हो लक्ष्मी। फिर गंगा ने एक बार प्रतिमा की ओर देखकर भक्ति से विहल होकर मंद स्वर में कहा, तुम्हारी जय हो। तभी पैरों की आवाज करके कृष्ण चंद्र ने उसे चौंका दिया। गंगा ने दबी नजरों से युवा पति की मुख श्री देखी और मुस्कुरा कर हौले से बोली, पूजन की बेला आ गई, अम्मा नाराज हो रही है। कृष्णचंद्र स्थिर खड़ा था। गंगा ने पल भर प्रतीक्षा करके मधुर स्वर में कहा, बैठो, लो यह माला तो उलझ गई। कृष्णचंद्र ने खड़े खड़े कहा, अपने बक्से की चाबी मुझे दे दो। गंगा ने धीरे से कहा, चाबी क्या मेरे पास है? चाबियों का गुच्छा तो अम्मा अपने सिरहाने रखती है। तो जाओ मांग लाओ। कारण पूछेंगी तो क्या कहूंगी, क्या कहेगी? कृष्णचंद्र ने कुड़कर कहा और वह अम्मा के पास झपट कर चला। जुए में अपनी सब पूंजी हार कर अब वह पत्नी के आभूषण लेने आया था। अम्मा सब जानती थी, अम्मा ने समझ भी लिया। पलक मारते कृष्णचंद्र फिर यहाँ लौट आया। गंगा शिथिल हाथों से माला सुलझा रही थी। कृष्णचंद्र ने कड़क कर कहा, चाबी तेरे पास है? अम्मा के पास नहीं, कहा है चाबी? गंगा ने कंपित स्वर में कहा, सच कहती हूँ। सच कहती है? मुझे उल्लू बनाती है, निकाल चाबी। थर थर कांपती गंगा ने कहा, मेरे पास चाबी नहीं है, तुम्हारे सिर की कसम। कृष्णचंद्र ने लंबी सांस खींची, उसका स्वर जाने कैसा हो गया। पत्नी के अमृत मुख की ओर निहारता बोला, तू इतनी नीच है मैं नहीं जानता था। तुझे अपने जीवन मेरी इज्जत से ज़्यादा, मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। किस कदर धोखे में था, आज आंखें खुल गई। मैं तो जा रहा हूँ, तू अब इन जेवरों को लेकर ही रह, जिंदगी भर तेरा मुँह न देखूंगा राक्षसी। और वह शीघ्रता से मुँह फेर कर चल दिया। क्षण भर गंगा बेसुध रही, फिर जैसे चोट खाकर उसकी चेतना जागी। अपनी सोने की चूड़ियां कलाई से खींचती दरवाजे की ओर दौड़ी आई।
कृष्णचंद्र तब तक चौखट से उतर गया था। गंगा ने चौखट पर रुककर कातर स्वर में पुकारा, सुनो तो। पर कृष्णचंद्र ने ना सुना। सोने की चिड़िया हाथ में लिए चौखट पर खड़ी गंगा कातर स्वर में पुकारती रही, सुनो ना। कृष्णचंद्र ने ना सुना। पूजा की थाली में माला उलझी पड़ी, दिए की बत्ती बुझ गई, घर में अंधेरा छा गया, पर कृष्णचंद्र ना लौटा। दूसरे दिन शाम को पता चला कि कृष्णचंद्र ने पूरब जाने वाली गाड़ी का टिकट लिया था। दो दिन निराहार रहकर दोनों सास पोता हूँ गंगा जमुना बहाती रही, फिर एक दूसरे के आंसू पहुँचकर एक दूसरे को ढांढस बधाकर सांत्वना देकर शांत ही रही। तब से हर एक दिन हर घड़ी गंगा आंखें फाड़े पति की प्रतीक्षा करती रही, पर कृष्णचंद्र ना लौटा। दिए की बाती बुझ गई, घर में अंधेरा छा गया। ये 15 साल पहले की बातें हैं। गंगा ने अपना कलेजा पत्थर का कर लिया, अम्मा से ना सहा गया, लड़का उनकी आंखों से अदृश्य हो गया। तो एक दिन अम्मा इस दुनिया की आंखों से अदृश्य हो गई। बेटे का मुख देखने की लालसा में पलके खुले रह गए। प्राणों का पंछी उड़ चला अज्ञात दिशा की ओर अपने बेटे के लिए। ससुराल सुनी, मायका सुना। बाप तो गंगा का ब्याह करके जीवन से विरक्त हो गए थे और कहीं दूर गुरु महाराज के चरणों में विश्रांति ले ली थी। गंगा की दुख गाथा शायद सुन पाए और शायद ना भी। अब तो कोई नहीं, पत्थर का कलेजा लिए गंगा जीवित है। किस लिए उसे जीवित रहना है। छोटा सा कस्बा, बस्ती से सटी गंगा मैया बहती हैं। वहाँ रहा के दोनों और फूस के झोपड़े हैं। इन झोपड़ों में अपावन घृणित कोड़ी अपना अभिशप्त जीवन बिताते हैं। इस छोर पर भगवान मुरली मनोहर का भव्य मंदिर है, जिससे घंटे के पवित्र ध्वनि गंगा के उस किनारे तक प्रातः साय नृत्य गूंजती है, जिसकी सीढ़ियों की धूली मस्तक पर लगाने से मन का सारा कलश मिटता है, संताप मिटता है। कब से उसकी यह जीवनचर्या बन गई गंगा को अब याद नहीं। केवल इतना याद रहा कि वह एक दिन गंगा नहाकर लौट रही थी कि एक पंगु कोड़ी झोपड़ी के बाहर आग सुलगाकर रोटी सेकने का प्रयत्न कर रहा था। उंगलियों से रहित केवल हथेली से बार बार जलती लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करता और बार बार लकड़ी गिर पड़ती और हथेली जल जाती। गंगा के पैर रुक गए, देखती रही। करुणा से मन भीग गया, फिर और सहा नहीं गया। गंगा जली और पूजा की चंगेरी वहीं एक और घास पर रखकर उस दुखिया के पास आ बैठी और दया भरे ममता भरे कंठ में बोली, लाओ बाबा मैं तुम्हारी रोटी सेक दूँ। शायद बहुत विलंब हो गया। पुजारी गंगा की ओर देखकर हंसने लगे तो वह लज्जा से संकुचित होकर बोली, मुझसे आज अपराध हो गया, क्षमा करोगे बाबा। फिर उसने कोड़ी की कहानी सुनाई और फिर उसी करुणा द्रवित स्वर में पूछने लगी, यह माला क्या अब भगवान को चढ़ाओगे बाबा। वृद्ध पुजारी मौन होकर सुन रहे थे, अब मुख खोला, गद गद होकर बोला, कहा, बेटी भगवान तो पतित पावन है, तुम्हारी यह माला धारण करके आज मुरली मनोहर भी अपने को कृतार्थ कहेंगे, लाओ माला मुझे दे। पुजारी ने वह माला माथे से लगा ली, आंखों में आंसू भराए, आंसू बहाती बोली, मुझ पापिनी को क्षमा करेंगे भगवान। पुजारी ने माला भगवान के कंठ में पहना दी, फिर गंगा के सिर पर कांपते हुए हाथ रखकर भरे गले से कहा, बेटी ऐसी बात ना कहो, भगवान के हृदय को कष्ट होगा लाडली। गंगा ने अपना आंसुओं से भीगा मुख पुजारी के चरणों में छिपा लिया। कोड़ियों की कुल संख्या 20 थी। गंगा नहाने वाली स्त्रियां और भक्तजन जब तक उनके आगे पैसा धेला और अन्न के दाने डाल जाते, तनिक फासले पर किसी रईस की धर्मशाला भी थी। यहाँ से प्रतिदिन इन कोड़ियों को थोड़ा सा अन्न मिलता, कैसे क्या करके जीवित रहते पता नहीं, पर अब उनको बहुत बड़ा सहारा मिल गया था। 300 कोड़ी प्रतिदिन गंगा मैया की बनाई रोटी खाते थे। दोपहर को उनकी आंखें राह में बिछी रहती, दूर से गंगा मैया की सफ़ेद धोती दिखती और कोड़ी एक साथ चिल्लाते, मैया आ गई, गंगा मैया की जय। गंगा का धूप से तमतमाया चेहरा, जिस पर पसीने की बूंद चाही रहती, कोड़ियों का मैया शब्द सुनकर आनंद से उज्जवल होता। वह क्रमशः कोड़ियों को रोटी दाल बांटती और हर कोड़ी के आगे आकर कहती, देर हो गई, भूखा गए क्या? नहीं मैया, वो लोग कहते। मैया गंगा विहल होकर हंसी, कहती, मुझे गाली दे रहे हैं, मनी मन कोस तो ना रहे। नहीं मैया, मैया गंगा विहल होकर हंसकर कहती, तो ना गाली, मैं क्या तुमसे नाराज होंगी, खाने को देर हो जाती है तो सभी लड़के अपनी माँ को बोलते हैं, मैं तो तुम 20 की माँ हूँ, तुम दो ना, कुछ बोलो। तब हर कोड़ी अपना अपवन मस्तक वहीं जमीन पर रखकर मैया को प्रणाम करता। 200 कोड़ी किनारे किनारे एक साथ बैठकर खाना खाते गंगा खड़ी खड़ी देखती, धूप से उसका मुख लाल हो जाता कि जिस पर पसीने की बूंदें छाई रहती और होठों का आनंद की मुस्कान खिली रहती। पुजारी बैठे प्रतीक्षा करते, गंगा आकर भगवान की चरणामृत लेती। वृद्ध हंसकर पूछते, खा लिया तुम्हारे बेटों ने? हाँ खा लिया, गंगा हंसकर कहती। पुजारी सिर हिलाकर कहते, यहाँ बूढ़ा बाप चाहे भूखो मर जाए, क्यों बाप बेटी का इतना प्यार क्यों करते हो? वृद्ध पुजारी सिर हिलाकर कहते, बेटी बहुत दुष्ट है इसलिए।
बाबा तुमने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। पुजारी नैन मूंद लेते, नैन मूंदे कहते, ऐसा ना कहो बेटी, तुम्हें तो मैं गुरु मानता हूँ। मेरे जीवन में उजाला ना था, तुमसे मैंने प्रकाश पाया। नारायण की है प्रतिमा, इतने दिनों से प्राणहीन थी, पत्थर पूज रहा था कब से, तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा की है मुरली मनोहर की। मैंने प्रतिदिन लक्षित किया है कि तुम जब कोड़ियों को भोजन करा के आती हो तो मुरली मनोहर के अधरों पर मुस्कान आ जाती है। सच कहता हूँ बेटी। गंगा आंसू भाकर सिर हिला कर कहती, ऐसा ना कहो पिता, मुझे पापनी को ऐसा ना कहो। पर पुजारी ना सुनते, नयन मूंदे भरे गले में कहते, तू धन्य है बेटी, तुझे पाकर मैं धन्य हूँ, नारायण धन्य है। बस यही दिनचर्या बन गई थी गंगा की। रूखा सूखा खाती, खाकर बच्चों के कपड़े सीने बैठ जाती। कस्बे में सैकड़ों बच्चे उसके बनाए कपड़े पहनते। हर नवजात शिशु को जीवन में प्रथम बार जो वस्त्र पहनाया जाता वह गंगा का बनाया होता। उस वस्त्र का वह पैसा भी ना लेती। संतानवती माताएं अपने अपने पुत्रों को गंगा के चरणों में झुकाकर कहती, आशीर्वाद दो माँ, तुम सती हो, तुम्हारे आशीर्वाद से इसका अमंगल कटेगा। गंगा बच्चे को कलेजे से लगा लेती, विहल होकर कहती, अमर हो लाल सपूत मेरे, तुम्हारी जयकार हो, देश का मुख उज्जवल करो। एक और काम था भगवान के लिए माला गूंथने का। अपने घर में ही फूलों के पौधे लगा लिए थे, उनमें जल सींचती, रात को भगवान की आरती देखने जाती और चरणामृत पीकर सो रहती गुड़ी मुड़ी होकर। सुबह तड़के उठती तो कोड़ियों का अनाज पीसती। उस समय एक गीत फूट पड़ता हृदय से और चक्की की घर घर के बीच उसकी लय डूबी रहती। हौले हौले नीचे आटा गिरता जाता और हौले हौले गंगा गाती, छोड़ी गए निर्मोही मोहे। अर्धरात्रि में गंगा ने मानो गहरी नींद से जगकर पलक उघारे और दुर्बल स्वर में पूछा, मैं कहाँ हूँ। पुजारी ने उसके मुख झुककर स्नेहाद्र स्वर में कहा, तुम यहाँ मेरी कोठरी में हो बेटी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। मुझे गश आ गया था, गंगा ने याद करके पूछा। हाँ बेटी, तुम बेहोश हो गई थी आंगन में। सहसा गंगा उठ बैठी और फिर चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर स्वर में बोली, वे कहाँ हैं, कौन बेटी, वे कहाँ हैं। गंगा ने कांपती जुबान से कहा, चले गए क्या 15 साल के बाद आज फिर। पुजारी ने अचंभे में डूबकर कहा, वह सन्यासी कृष्णचंद्र है क्या। हाँ बाबा, गंगा ने धीरे से कहा और बिस्तर पर लुढ़क गई, मुख छिपा लिया दोनों हाथों से। क्रंदन फूर उठा, संपूर्ण देही कांपने लगी। पुजारी बाहर को भागे, सन्यासी बरामदे से उतरकर नीचे आंगन में खड़ा था। कमंडल उठाकर जाने का उद्यत था कि पुजारी ने हाँफते हुए आकर पीछे से उसकी बाँह पकड़ ली। सन्यासी ने मुड़कर देखा, उसकी दृष्टि शांत थी। पुजारी ने उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर कंपित स्वर में कहा, जा रहे हो। हाँ बाबा, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्यों बाबा, इतने निर्दय ना बनो बेटा, उस दुखने पर तरस खाओ, दया करो कृष्णचंद्र, और जुल्म ना करो। सन्यासी शांत खड़ा था। वृद्ध पुजारी आंखों में आंसू लाकर कहने लगे, किस बात के लिए तुम इतनी भारी सजा दे रहे हो अभागिनी को। अभागिनी किसी तरह अपना दुख बिसार कर दुखियों की सेवा करके भगवान के चरणों में जीवन अर्पित करके दिन बिता रही है। 15 साल हो गए, 15 साल से कष्ट पा रही है, 15 साल से तुम्हारी राह में आंखें बिछाए बैठी है, और तुम हो कि उसे एक झलक दिखाकर उसका घाव ताजा करके चले जा रहे हो। इतने निष्ठुर ना बनो सन्यासी। सन्यासी ने एक शब्द ना कहा, स्थिर शांत खड़ा रहा। पुजारी ने विनय करके कहा, ना जाओ बेटा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, गंगा बेटी पर और जुल्म ना ढाओ। मैं वृद्ध ब्राह्मण तुमसे दया की भीख मांग रहा हूँ, ना मांगोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में अपना सिर रख दूंगा। कृष्णचंद्र, तुम यहीं तुम्हारे चरणों में सिर पटक कर जान दे दूंगा, सुनते हो। वृद्ध ने थर थर कांप कर कहा, जाने ना दूंगा, तुम ब्राह्मण की हत्या करके ही कदम आगे बढ़ा सकते हो। सन्यासी ने शांत भाव से अपना कमंडल नीचे रख दिया, फिर संयत स्वर में बोला, कहिए मुझे क्या करना होगा, मैं नहीं जाऊंगा, आप शांत होइए बाबा। वृद्ध ने अपनी आंखें पहुंची और फिर उस सन्यासी को धक धक होती छाती से लगाकर बोले, जुग जुग जियो बेटा, चलो बेटी को सुख में डुबो दो। सारी बस्ती में चर्चा थी कि 15 साल के बाद गंगा का पति कृष्णचंद्र लौट आया है। कितने ही परिचित अपरिचित लोग उसे आकर मंदिर में देख गए। कृष्णचंद्र केवल सबकी ओर निहार कर तनिक मुस्कुरा देता। लोगों ने कहा, 15 साल तक सन्यासी रहकर अब हम लोग जैसा कैसे रहेगा, उसका मन तो और तरह का हो चुका है, हम लोगों से कितना कम बोला। ना बोले भाई, अपनी पत्नी पर दया की है, बेचारी सती स्त्री कितना दुख उठा रही थी। अरे वह तो देवी है, भगवान ने वरदान की तरह कृष्णचंद्र को उसके पास लौटा दिया, नहीं तो क्या आशा थी कि यूँ अचानक हमारे बीच फिर आ जाएगा। वह पुजारी की तो हर्ष की सीमा ही नहीं आती। सारा दिन कृष्णचंद्र का प्रबंध करते बीता, मन ही मन जैसे गंगा को पुकार कर कहते, तू अपनी देखने की हविस मिटा, 15 साल तक जिसे एक नज़र ना देख पाई, अब जी भर कर देख ले, पहले तू देख ले तब किसी और को देखने दूंगा। मेरी बिटिया का सारा दुख शोक मुरली मनोहर ने हर लिया, तुम धन्य हो मुरली बजैया। और भगवान की ओर बार बार सजल नयनों से निहार कर कहते, वह उस दिन तुम्हारी ही बांसुरी बजी थी नारायण, कृष्णचंद्र ने ही तुम्हें वह करुण रागनी बजाई थी,
अरे छलिया, अरे रसिया, बांसुरी तो कृष्णचंद पहले भी बजाता था, इतनी दर्द भरी ले जाने कब निकाल ली, सन्यासी होकर भी बांसुरी बजाना ना छोड़ पाए। गंगा ने मधुर हंसी हंसकर कहा, बांसुरी ना बजाते तो मैं क्या फिर मैं से तुम्हें पा सकती थी। कृष्णचंद्र की अब जटाएं ना थी, सभ्य नागरिक जैसे कपड़े पहने पलंग पर लेटा था। गंगा ने बांसुरी ताक पर से उठा ली और उसे पास रखकर लजा कर कहा, जरा बजाओ ना फिर से। कृष्णचंद्र ने बांसुरी उठा ली, उसके छिद्रों पर उंगलियां रखकर हंसकर पूछा, बजाऊं? गंगा वहीं पार्टी पर बैठ गई, ले जाकर होठों में मुस्कान दबाकर कहा, वही उस दिन वाली रागनी, फिर से बेहोश ना हो जाना। गंगा ने लाज में डूबकर होठों में मुस्कान दबाकर कहा, बेहोश हो जाऊं तो बाबा को मत बुलाना। तभी बाहर से बाबा ने पुकार लगाई, गंगा बेटी, और दरवाजे पर खड़ाऊं की आवाज करके बोले, कृष्णचंद्र कहाँ है? उसका कोई मित्र आया है हीरा लाल, बड़ी देर से बैठा है। हीरा लाल आलिंगन करके कृष्णचंद्र से मिला, फिर कसकर उसका हाथ पकड़कर प्रेम से बोला, आखिर हम लोगों की सुधी आ गई तुम्हें? कृष्णचंद्र खड़ा हंसता रहा, हीरा लाल उसे पास बिठाकर बातें करने लगा, हाथ यूं ही पकड़े था कि अचानक उसे जाने क्या ध्यान आया, कृष्णचंद्र का बायां हाथ ऊपर को उठाकर लोट पोट करके देखने लगा। पुजारी किसी काम से उधर से जा रहे थे, उसे यूं हंसता देखकर पूछने लगे, क्या देख रहे हो भाई, जान पड़ता है हंस रहे खाए पड़ रहे हो? हीरा लाल ने तनिक हंसकर कहा, पुजारी बाबा अचरज कर रहा हूँ, यह कृष्णचंद्र तो मेरा लंगोटिया ही आ रहा है, इसका यह अंगूठा देख रहा हूँ। फिर क्षण भर रुककर हंसकर बोला, अंगूठे को निहारता, यह आधा था, बचपन में इसका ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने आधा अंगूठा काट दिया था इसका, पर यह देखो पूरा का पूरा है, नाखून भी है। अब तो जो कुछ सीखा होगा सो सीखा होगा, पर योग विद्या से क्या अंगूठा भी पूरा कर लिया जाता है? मुझे तो यही संतोष है, आधा था तो बुरा लगता था महाराज। कृष्णचंद्र बैठा मुस्कुराता रहा। पुजारी ने भी रुक रुक कर कहा, योग से क्या नहीं हो सकता, अंगूठा ठीक होना क्या क्या मेरा मरा प्राणी भी जीवित हो जाए। कितने दिनों से कितने सालों से भगवान प्रतिदिन दोनों बेला गंगा की बनाई माला धारण करते थे, पर यह क्रम अचानक टूट गया। पुजारी मनी मन हंसे और प्रतिमा की ओर एक नज़र देखकर बोले, हंस रहे हो ना? और मनी मन हंसते माली के घर गए, उनसे एक सुंदर सी माला खरीदी और गंगा के किनारे आचमन करके जा पहुँचे। उधर से लौटे तो कोड़ियों के झोपड़े के बीच में पड़े, कोई भी कोड़ी बाहर ना था। पुजारी उन झोपड़ियों को निहारते मन ही मन कोड़ियों से बोले, तुम्हारी गंगा मैया का स्वामी लौट आया, उसका सिंदूर अचलो, तुम लोग खुशी मनाओ, शायद तुम लोगों की रोटी सेकने नहीं आई, उस पर नाराज ना होना भागो, 15 सालों के बाद उसका सुहाग फिरा है। सुनो अनाथ भाइयों, नाराज ना होना उस पर, मैं नाराज नहीं हूँ, माला ना पाकर नारायण भी नाराज नहीं है उससे। हाँ भाई, उसे क्षमा करना, बेटी को क्षमा करना, अपनी मैया को क्षमा करना। मंदिर की परिक्रमा करके तोरण के किनारे चढ़ रहे थे कि मूलचंद ज्वारी पर नजर जा पड़ी, वह उधर घबरा मुस्कुरा रहा था। पुजारी जी को देखकर दोनों हाथ उठाकर पालागन करके बोला, कृष्णचंद्र से मिलने आया हूँ। पुजारी जी ने रुक रुक कर कहा, वह यहाँ नहीं है, तुम क्या करोगे उससे मिलकर? क्या करूँगा? अरे महाराज, वह मेरा दोस्त है, दोस्त से ना मिलाऊँ? फिर तुम्हारी संगत में पढ़कर एक बार फिर वैसी दशा हो चुकी है, क्या फिर उसे कुमार्ग पर ले जाना चाहते हो? मूलचंद्र ताली पीट कर ठहाका मारकर हंस पड़ा, हंसता हंसता बोला, महाराज मैं तो गंगा जल ही छूकर जुआ छोड़ चुका हूँ, आपको इतना भी नहीं पता? इतने दिनों से रुई बिनौले का व्यापार कर रहा हूँ। पुजारी जैसे तनिक आश्वस्त हुए, स्वर को नर्म करके कहा, आता ही होगा कृष्णचंद्र। इधर कृष्णचंद्र ने अलमारी पर छड़ी मारकर गंगा को चौंका दिया, कब से यहाँ कोठरी में खड़ी खड़ी माला गूंद रही थी। पति को सामने पाकर उसने आंचल में माला छिपा ली। कृष्णचंद्र सामने आकर हंसकर पूछने लगा, क्या है? कुछ नहीं, गंगा ने शर्मा कर कहा। छिपाया तो है, कुछ नहीं। कृष्णचंद्र ने हंसकर कहा, मत बतलाओ, छीन थोड़े ही लूंगा। तब गंगा ने धीरे धीरे दोनों हाथ साड़ी से बाहर किए मुट्ठियां खोलती ले जाकर बोली, माला बना रही थी और माला ऊपर को करके बोली, लो उलझ गई, हम भी एक चीज लाए हैं। क्या? गंगा ने उत्सुक होकर पूछा। बताऊंगा नहीं। ना बताओगे? हाथ फैलाओ और आंखें मूंदो। गंगा ने वैसा ही किया। कृष्णचंद्र ने उसकी आंखों की ओर देखकर कहा, देखना मत, देखना मत, और उसकी फैली हथेली पर एक छोटी सी सुंदर डिब्बी रख दी और खुद पलंग पर जा लेटा। जल्दी से उधर को करवट लेकर बोला, अब खोलो आंखें। गंगा ने आंखें खोली, डिब्बी देखी, उसका ढक्कन हटाया, संभाल कर बेसुध सी हो गई हर्षित से। डिब्बी में सुगंधित लाल सिंदूर था। कृष्णचंद्र इधर को करवट लिए आंखें मूंदे पड़ा था। गंगा वहीं उसके आगे जमीन पर आ बैठी और हौले से कहा, सो रहे हो क्या? कृष्णचंद्र ने हंसकर पलके उघाड़ी। गंगा ने डिब्बा आगे करके हौले से कहा, लो लगा दो अपने हाथ से मेरे माथे पर। हंसता हुआ कृष्णचंद्र उठकर बैठने लगा तो बाएं हाथ का कपड़ा लिपटाकर गंगा चौंक पड़ी। घबराकर उसने पूछा, क्या हुआ हाथ में? कृष्णचंद्र हंसकर बोला, कुछ नहीं, जरा चोट लग गई है यूं, तभी किसी ने बंद किवाड़ों पर धक्का दिया। गंगा दरवाजा खोलने दौड़ी और कृष्णचंद्र उठकर खड़ा हो गया।
बाएं हाथ पर कपड़ा लपेटे, और कोई नहीं पुजारी बाबा थे। उदास दृष्टि से कृष्णचंद्र की ओर ताक कर बोले, तुम कृष्णचंद्र हो ना? हाँ बाबा, क्यों, क्या हुआ? आओ मेरे साथ, बाबा ने शांत स्वर में कहा। मंदिर के उसी विशाल प्रांगण में खड़े कृष्णचंद्र से मुखातिब होकर मूलचंद पूछने लगा, मेरे कितने रुपए तुम पर बाकी रह गए थे, कुछ याद है? हीरालाल ने आगे कर पूछा, दिवाली का वह जुआ कहाँ हुआ था, बतला सकते हो? मूलचंद ने फिर कहा, औरत से लड़कर जब तुम घर से निकले तो पहले मेरे पास आए थे या इस हीरालाल के पास? हीरालाल, और आज तुम जर्रा की दुकान पर क्यों गए थे? मूलचंद, क्या तुमने जर्रा का घाव भरने का मल्लम मांगा था? हीरालाल ने नज़दीक आकर कहा, देखो तुम्हारा हाथ, और उसने कृष्णचंद का बाया हाथ पकड़कर ऊपर को किया। फिर स्वयं ही उसके कपड़े को हटाकर उसने अंगूठे की पट्टी खोलकर फेंक दी। आधे कटे अंगूठे पर मरहम का पीला फाहा चिपका हुआ था। पुजारी सांस रोके खड़े थे। हीरालाल ने उस हाथ को पुजारी के आगे कहा, महाराज देखिए, आपने उस बेला इस अंगूठे को पूरा देखा था ना? कृष्णचंद्र ने एक शब्द ना कहा। पुजारी के पैर कांपने लगे। मूलचंद ने कहा, तुम कौन हो भाई, और क्यों इस तरह लोगों को धोखा देना चाहते हो? क्यों गंगा जैसी सती स्त्री का जीवन बर्बाद करने पर उतारू हो? सच कहो, तुम जीवन राम के लड़के कृष्णचंद्र ही हो या कोई और लुच्चे बदमाश? कृष्णचंद्र अवाक था। पुजारी थर थर कांप रहे थे। हीरालाल ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज यह शख्स कृष्णचंद्र हरगिज नहीं है। आपकी आज्ञा से तो मैं अभी इसे थाने ले जाऊं, इसके सिर पर पुलिस का जूता पड़ेगा तो सच सच बता देगा। पुजारी ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, थाने ना ले जाऊं, मैं अभी इससे झूठ सच पूछ लेता। तुम जाओ बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम भले आदमियों के लड़के हो, यह बात बस्ती में ना फैलने पाए। गंगे पर रहम खाओ, वह गौ है। कहते कहते पुजारी रो उठे। दोनों जुआरियों ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, हम ऐसा अधर्म ना करेंगे। गंगा इस कस्बे की देवी है, उसकी इज्जत के लिए हम सब जान दे देंगे। महाराज जियो बेटा, तुम जाओ, मैं अभी इस आदमी को एकांत में ले जाकर पूछता हूँ। जाओ बेटा, उस आदमी ने शांत स्वर में कहा, मैं कृष्णचंद्र नहीं हूँ बाबा, ना ही लुच्चा बदमाश। उस दिन जब आपने ब्रह्म हत्या की बात मुझसे कही, जब आप मेरे चरणों पर सिर पटक कर प्राण देने को तैयार हो गए, तो प्रभु की इच्छा जानकर मैंने कृष्णचंद्र होना स्वीकार किया। एक तपस्विनी दुख के मारे स्त्री मुझे अपना पति समझकर सुख से बेसुध हो रही थी। क्या करूँ, कुछ कह तय नहीं कर पा रहा था। जीवन भर भटकता फिरा, माँ नहीं, बहन नहीं, पत्नी नहीं, बंधु बांधव नहीं, स्नेह के लिए मेरा चिरतृषित हृदय व्याकुल होता। गंगा को मैंने कलुषित नहीं किया, सोचा था कि जीवन भर इस सती नारी के आंचल की छाया में पुत्र की तरह पड़ा रहूँगा। मेरी और कोई कामना न थी, इस प्रकार एक चीर दुखी बनाकर मैंने भगवान को प्रसन्न करना चाहता। उस दिन यदि आपकी प्रार्थना को ठुकरा कर चला जाता, गंगा को इसी तरह बिलकते छोड़कर, तो क्या यह पाप ना होता? क्या इससे भगवान संतुष्ट होते? क्या मैं इससे पुण्यवान होता? मैं एक सन्यासी हूँ, मैं वही सन्यासी हूँ। मेरे जीवन में अनेक घटनाएं घटी है, मैंने बहुत सहा है। एक साधारण से इंद्रिय विकार के वशीभूत में कभी नहीं हो सकता। जिस तरह यह गंगा पवित्र है, जिस तरह भगवान का चरणामृत पवित्र है, उसी तरह मेरा अंतस्थल भी पवित्र है। मैं कभी किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता, मैंने कोई पाप नहीं किया। भगवान की इच्छा से मैं यहाँ इतने दिन इस रूप में रुका रहा, शायद भगवान की अब इच्छा नहीं है। मैं अभी यह घर, यह नगर, यह पथ छोड़कर चला जा रहा हूँ। यथा आप गंगा का ध्यान रखिएगा। पुजारी की देही धर धर कांप रही थी। नीचे धरती के में मुंह दिए गंगा पड़ी थी बेसुध होई हुई। सन्यासी ने पुजारी की करुण मुख की ओर देखकर हंसकर कहा, आपने मेरी जटाएं कटवा दी, अब यह अंगूठा मैंने स्वयं काटा। कृष्णचंद्र से मेरी शक्ल मिलती थी पर उसके अंगूठा ना था। कृष्णचंद्र बनने के लिए मैंने अंगूठा काट डाला। सोचा था कि इस साध्वी नारी को कहीं मेरे कारण लांछित ना होना पड़े। अंगूठा क्या, आवश्यकता पड़ने पर मैं यह भाव भी काट सकता, मेरी इस तुच्छ शरीर का मोल ही क्या है। पुजारी थर थर कांप रहे थे। गंगा धरती में सिर दिए पड़ी थी। सन्यासी ने सैवर को संयत करके कहा, मेरा कमंडल कहाँ है? इस समय मुझे चले जाना चाहिए, तुम्हें से क्षमा मांगता हूँ। और तुम धरती में मुंह दिए पड़ी गंगा की ओर निहार कर सन्यासी ने कहा, मुझे तो शाप ना देना भगवती, तुम्हें सुखी ना कर सका, पर अपने को संपूर्ण हृदय से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण हो, तुम इसी तरह दुनिया के लिए आदर्श बनी रहो। आंसू से दुला मुख ऊपर को करके क्रंदन स्वर में गंगा बोली, बाबा सिंदूर मिट गया ना? और उत्तर की प्रतीक्षा ना करके उसने फिर अपना माथा भगवान की चौखट पर पटक दिया। पुजारी खड़े रो रहे थे, कलेजा फटने लगा। शीघ्रता से नीचे झुककर गंगा का सिर थाम लिया और आंसुओं के बीच चिल्ला उठे, बेटी। गंगा ने पुजारी की गोदी में अपना रक्त से सना मुख छिपा लिया और गौ की तरह रंभाकर बोली, बाबा। पुजारी ने रोते रोते कहा, बेटी भगवान बहुत व्यथा पा रहे हैं, भगवान को और व्यथित ना करो लाडली।
गंगा ने हाथ आगे करके वही कहा, क्रंदन के बीच माला लाई हूँ। पुजारी ने वह आधी गुथी माला भगवान के कंठ में डाल दी। धोते रोते बोले, चरणा मृत लो बेटी। पागलों की तरह गंगा झोंपड़ों के आगे दौड़ती रोती बोली, तुम सब कहाँ हो, कहाँ हो तुम सब? और क्षण भर में मैया मैया कहते बीसों कोड़ी अंधेरे में गंगा के पास आ खड़े हुए। गंगा ने रोकर कहा, मुझे तुम लोगों ने क्यों बिसरा दिया? बोलो निर्मोहियों, क्या मुझे भूल गए? सभी कौड़ी सिर झुकाए अंधेरे में खड़े थे। गंगा ने चीतकार करके रोकर कहा, अपनी पापनी मैया को क्षमा ना करोगे अभिमानियों? इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। सब लोग गंगा के पास आ गए। गंगा ने उनके सिरों पर अपना कांपता हाथ रखकर कहा, क्षमा कर दो लाडलो, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बीसों कोड़ी वहीं धरती पर माथा टेक कर अंधेरे में एक साथ रो रहे थे और गंगा भी रो रही थी।